पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए। थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। And once again, thank you so much for tuning to Radio Zindagi on this Thursday afternoon. It is the 3:30 time here in the studio, America's biggest South Asian radio network that you're tuned to right now, Radio Zindagi on 5:40 a.m. New York, New Jersey, and Connecticut, 1310 a.m. That's up in Parsippany, Morris County area, 96.7 FM, Edison area, Middlesex County, and then, of course, RadioZindagi.com, streaming live for you 24/7, our brand new app for iOS and Android, and then Radio Zindagi's Facebook page is Radio Zindagi Tri-State, and of course our WhatsApp number is 848-247-9911. That's 848-247-9911. Every Thursday between 3:30 and 4, we get to learn something about Vastu. How important is Vastu? What exactly is Vastu? And how each direction plays an important role in one's life, whether for peace, for success, for harmony, and for a better relationship among family members. It all makes a difference for your home, and then for your business prosperity and the success. That also makes a difference. So that's what we get to know from one and only Dr. Reva Kumar of World of Divine Vastu. .com is their website, and she has over 30 years of experience when it comes to Vastu. She has helped and she continues to help hundreds of thousands of individuals throughout the world with Vastu, and we're so privileged to have Dr. Reva Kumar with us on Radio Zindagi. Jai Mata Di, good afternoon to you. Didi, namaskar. Jai Mata Di, good afternoon, namaskar. Ji haan Sanjeev ji, aapko aur hamare jitne bhi Radio Zindagi Tri-State ke jitne viewers hain, व्यूअर्स के साथ में जितने लिसनर्स हैं, आप सबको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ दीदी कि एवरी थर्सडे आप अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल के हम सबको वास्तु का जो ज्ञान देते हो, जो नॉलेज देते हो, आई थिंक मेनी लिसनर्स आर मेकिंग नोट्स ऑफ इट एंड आई थिंक दे आर रियलाइजिंग इट। वास्तु डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। जो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन को लेके हो, लेकिन अगर वो उसको ठीक से फॉलो की जाए, देन इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। एंड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट योर सजेशंस एंड वास्तु इज दीदी दैट यू ऑलवेज से दैट देयर इज नो रीमॉडलिंग, देयर इज नो रेनोवेशन व्हेन इट कम्स टू होम। एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू रेमेडीज एंड पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जो है वास्तु के लिए चाहिए, दैट ऑल कैन बी डन थ्रू रेमेडीज एंड यू बीन डूइंग इट। सो वंस अगेन लिसनर्स, वेलकम टू द World of Divine Vastu Show right now on Radio Zindagi. दीदी जो हम डायरेक्शन को लेके बात करते आए पिछले कुछ हफ्तों से, आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन उसको लेके दी है, राइट? नाउ जो घर का सेंटर जो होता है, घर का जो सेंटर होता है, इफेक्ट्स ऑफ सेंटर ऑफ हाउस एंड हाउ टू रेक्टिफाई बैड इफेक्ट्स, वो जो होता है उसको अगर बैलेंस करना हो और उसके लिए जानकारी कुछ जाननी हो, तो क्या आप हमें बता सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल संजीव जी, अभी तक हमने पूरी 8 डायरेक्शंस के बारे में काफी डिस्कस किया। 8 डायरेक्शंस की जितने एलिमेंट्स थे, उनकी क्या क्वालिटी थी, उनका क्या प्लैनेटरी पोजीशन थी, और कैसे वो हम सबके लिए फायदेमंद भी है, और अगर कोई वो डिफेक्ट होता है हमारी बॉडी, हमारे घर पे या हमारे बिजनेस पे, अगर कहीं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डिफेक्ट है, तो वो कैसे इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में। अलोंग विद दैट आई एडवाइज हाउ टू रेक्टिफाई दोज इफेक्ट्स, कहीं ना कहीं अगर वो हमें नुकसान दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की स्पेशलिटी यही है कि हम रेनोवेशन रीमॉडलिंग को मैं बहुत ही कम रेकमेंड करती हूँ। यही कोशिश होती है कि हम जितनी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, पिरामिडोलॉजी है,
हैं, ज्योमेटिकल शेप्स के साथ में कलर थेरेपी है, जेम्स हैं, अलोंग विद दैट प्लैनेटरी को स्टेबल करने के उनसे रिलेटेड जो भी कलर्स हैं उससे हम रेक्टिफिकेशन को मैं एडवाइस करती हूँ। आज अगर आपने हमसे बात करना चाहते हैं सेंटर की, तो सेंटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वास्तु। अगर देखा जाए तो वास्तु का अगर सही है कि जब तक एक सेंटर का एक बिंदु, एक केंद्र, आपने बोला कि व्हाट इज सेंटर, किसी भी चीज की अगर आपको नाप तोल करनी है, किसी की अगर लंबाई को पहचानना है, मतलब किसी भी गहराई को, चाहे वो आप किसी काम की गहराई को, किसी डिस्कशन की गहराई को, किसी टॉपिक की गहराई को अगर आप जानना चाहते हैं संजीव, तो हमेशा एक उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, उसका जो केंद्र बिंदु होता है, उसको हम जरूर फोकस करते हैं। वैसे ही घर का या बिजनेस का, किसी चीज का भी अगर आपको सही वास्तु जानना है, तो आपको सेंटर की तरफ फोकस करना सबसे जरूरी है। एक इंसान है, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो हमेशा देखिए कि एक माँ के नेवल से उस बच्चे की कोर्ड को एक साथ अटैच होता है जो उसको फीड करती है। सेम वैसे ही घर का जो सेंटर प्लेस है, इट कॉल्स ब्रह्म स्थान, उसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। वहां से ही हमारे को घर की पूरी गहराई पता चलती है। अगर घर का सेंटर, घर का जो ब्रह्म स्थान है, कहीं पे भी डिप्रेस होगा, कहीं पे भी उसके ऊपर में कह सकते हैं कि हेवी स्टेयर्स होंगी या बाथरूम होगा, तो आपको ग्रोथ आपकी स्टेगनेंट हो जाएगी। बहुत पाया जाता है कि जिस टाइम हमारे को कस्टमर क्लाइंट्स कहते हैं कि जी मैं पहले घर में तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन मैं इस घर में भी नॉर्थ फेसिंग घर में आया हूँ, साउथ भी मेरा अच्छा है, किचन भी मेरी साउथ ईस्ट में है, मास्टर बेडरूम भी मेरा साउथ वेस्ट में है, रेवा जी फिर भी मैं ग्रो नहीं कर रहा। तो उसका क्या रीजन था? क्योंकि सेंटर में स्टेयर्स है और स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है। अब वो क्या है कि घर का सेंटर एकदम डिप्रेस हो गया स्टेयर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में, साथ ही साथ में वहां पे बाथरूम है। अगर कभी भी इंसान के पेट पे, अगर नेवल पे, कहीं पे भी आप देखिए, हमारी सारी ऑक्सीजन हर चीज को, अगर हमारा मेन जो कुंडली जागृत जिसको हम कहते हैं, अगर आप सांस भी लेते हैं, ब्रीथ भी करते हैं, तो वो हमारी नाभि के जरिए से भी चलता है। अगर हमारा पर्टिकुलर कहीं पे भी कोई नाभि अगर हमारी दबाव आएगा, तो हम लोग, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। उसी तरह व्यूअर्स, अगर आपके घर का सेंटर कहीं दबाव में आ गया, तो आपकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाएगी, स्टमक से जुड़ी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएंगी। अगर घर में फीमेल्स हैं, दे वांट टू कंसीव चाइल्ड, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। सो अकॉर्डिंग टू वास्तु फंडामेंटल्स, वी ऑलवेज एडवाइज दैट वी शुड नॉट हैव स्टेयर्स और बाथरूम और किचन इन सेंटर ऑफ हाउस। सेंटर आपका ब्रह्म स्थान है, जितना आप उसको नीट क्लीन खुला रखेंगे, जितना उस साफ होगा, उतना ही अच्छा है। मैं यहां तक ये एडवाइस करती हूँ कि कभी कभी संजीव की, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है प्रेयर प्लेस की, तो अगर आप सोचते हैं कि सेंटर में हमारे पास में जगह है, या सेंटर में अगर हम स्काईलाइट बना के एक पिरामिड की शेप दे दे अगर सीलिंग को, और नीचे ब्रह्म स्थान पे अगर हमारा पूजा का स्थान हो, तो मैं आपको इतना बताती हूँ कि 100 या 200% हमारे को बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि सेंटर को एक्टिवेट करना ही बहुत जरूरी है। जहां अगर सेंटर एक्टिवेट, सेंटर दबाए दब जाएगा, वहां ही एक्टिवेट नहीं होंगे। इवन कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी थीसिस में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट द लुई विटन। लुई विटन इज ए बेस्ट ब्रांड, पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही एक एक्सक्लूसिव एक बेस्ट ब्रांड है, लेकिन उसको करने के लिए उनका सेंटर अगर आप देखें, जहां पर उसके हेड ऑफिस में प्लेन सेंटर है, बिल्कुल खाली है, और उन्होंने सेंटर को क्या किया हुआ है संजीव, कि बिल्कुल उसके सेंटर की सीट पे जो उसका स्काई लाइट है, उसको जस्ट लाइक अ पिरामिड की शेप दिया है, एंड दिस इज अ शेप, दिस इज पिरामिड ऑफ शेप। अब आप कभी भी देखिए कि किसी मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारा चला जाइए, चर्च चला जाइए, मस्जिद चले जाइए, आपको उसके ऊपर एक पिरामिड का एक शेप मिलता है, क्योंकि वो उस जगह को इनहेंस करता है, उस पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस करता है। जहां हमारा सेंटर हमारा डिप्रेस होगा, वही हमारी लाइफ में नेगेटिविटीज आ जाती है, वही हमारे को प्रॉब्लम आती है।
सो एज वास्तु प्रिंसिपल्स आप सेंटर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, चाहे तो आप वहां पे पूजा प्लेस रख सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वंस अ फाइल इवन की वंस अ मंथ जो आपके घर का जहां सेंटर है आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये मेरा सेंटर है, तो एटलीस्ट उसको महीने में अगर एक बार भी अगर आप सॉल्ट वाटर के साथ में थोड़ा मॉप करके क्लीन करके अगर शाम के समय दिया भी जलाते हैं तो यकीन रखिए व्यूअर्स आपको रिजल्ट्स इसके बहुत रिमार्केबल मिलेंगे। आपकी ग्रोथ जो हमारी स्टेगनेट हो जाती है जहां हम सोचते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारी प्रमोशंस नहीं हो पा रही हैं, हमारा बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहा या हमारा सब कुछ रुक गया है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ हमारी रुक गई है, वहां पे आपको अपने सेंटर ऑफ योर बिजनेस, सेंटर ऑफ योर हाउस हैज टू बी फोकस्ड कि क्या उसका डिप्रेशन एरिया ही है जो हमारे को प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा और दीदी, उसको जब एक्टिवेट करना बहुत इजी है, उसको आप खुद कर सकते हैं। हाँ, एंड द बेस्ट इज अ फुल मून, अगर फुल मून के दिन में अगर आप उसको एक्टिवेट करते हैं अपने सेंटर को, तो आप ये देखिए। जी हाँ, मैं ये कह जी रहा था संजीव, कि आप कुछ हाँ कहना चाहिए? हाँ मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था। बिफोर एक्टिवेट करने की आप जो रेमेडी बता, उससे पहले मैं ये पूछना चाहता था कि सेंटर ऑफ द हाउस जो होता है वो आपके घर का लिविंग रूम जो होता है, लिविंग रूम के सेंटर में देखा जाता है, या तो जो पूरा घर जो होता है फर्स्ट फ्लोर हो तो फर्स्ट फ्लोर के सेंटर में देखा जाता है। वन ऑफ द लिसनर्स हैज सेंट अ मैसेज टू आस्क द क्वेश्चन कि कैसे पता करें सेंटर ऑफ द हाउस। सेंटर ऑफ द हाउस आपको पूरा अपने घर का जितना भी कंस्ट्रक्टेड एरिया है वहां से लेंगे, मींस कि उसके बीच में कंस्ट्रक्शन में आपका गैराज भी आता है। कंस्ट्रक्टेड एरिया क्या, जहां आपका नीचे के फ्लोर में चाहे आपका फर्स्ट फ्लोर हो चाहे सेकंड फ्लोर हो, आपको बहुत इजीली अपना सेंटर मिल जाएगा। उसको क्या करें, आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, पूरा मैप ड्रॉ करेंगे तो आप उसको जहां किसी ड्रॉ में कॉर्नर में अगर आपको लगता है कि ये कॉर्नर हमारा मिसिंग है, आप उसको अपनी ड्रॉइंग में उसको एक लाइन लगा दीजिए, उसको चारों कॉर्नर्स को जब 90 डिग्री करेंगे तो आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाना है, उस समय आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ हमारा सेंटर है, दिस इज अवर बिंदु वेयर वी हैव टू स्टार्ट इट। और अच्छा, उस सेंटर में आप उसको एक्टिवेट करिए, एटलीस्ट आप उसको फुल मून के दिन में बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। फुल मून के दिन में अगर आप सेंटर पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं तो आप ये देखिए कि आपको चारों तरफ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। खास तौर पे मैं बिजनेस वालों के लिए जरूर बताती हूँ कि जिनको लगता है कि अचानक सेल रुक गई है, या अगर आप घर में सोचते हैं कि आप एकदम नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, आपको चारों तरफ से अंधेरा नजर आ रहा है, कहीं आप अपने लाइफ में कुछ रोशनी नहीं मिल रहे, आप एटलीस्ट 11 डेज एक्टिवेट करके देखिए, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सन सेटिंग के टाइम पे पर्टिकुलर जो भी आपका सेंटर है उसको आप नीट और क्लीन कीजिए, करने के बाद में वहां पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप सेंटर में कहीं पे भी एक छोटा सा देसी घी का दिया जलाइए और फिर आप देखिए कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी हम महसूस करेंगे। और साथ ही साथ में आप कभी भी अगर सेंटर में बिजनेस वालों के लिए जिनको लगता है कि आईटी कंपनी में है या उनका अपना आईटी से रिलेटेड बिजनेस है एंड दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस होल अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए बहुत इजी टिप है कि आप सेंटर ले लीजिए अपने बिजनेस का घर पे, वहां पर अगर आप क्रिस्टल का ग्लोब रखते हैं और आप अपने इस फिंगर के साथ में इंडेक्स फिंगर के साथ में 27 टाइम्स उसको क्लॉक वाइज उसको कीजिए, फिर आप देखिए कि आपको चारों तरफ से आपको कैसे अपने वर्क बिजनेस से रिलेटेड आपको एनर्जी मिलती है। सो एक्टिवेट वी हैव टू डू इट, लेकिन दूसरी तरफ में अगर हमारा सेंटर में स्टेयर्स है, सेंटर में बाथरूम है, तो वो हमारी लाइफ में बहुत ही गलत इफेक्ट आते हैं। खास तौर में स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम है, मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि क्लोज दैट बाथरूम, क्योंकि वो आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देगा, कहीं ना कहीं सीरियस घर में हेल्थ इश्यूज आएंगे। मैं इस लाइन में 34-35 ईयर्स मेरे को हो गए हैं संजीव, एंड इट इज ट्रू, जहां जहां मैंने स्टेयर्स के नीचे बाथरूम देखा है वहां पर मैंने कहीं ना कहीं क्या 100% कहीं ना कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज पाए हैं।
और वो हेल्थ इश्यूज इतने होते हैं कि जिनको ठीक करने क्यूरेबल करने में भी होना टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, अगर स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है तो पहली तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप उसको बाथरूम को बंद कर दीजिए, स्टेयर्स पे नीचे बाथरूम नहीं होने चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं आपको बाथरूम रखना ही है रखना है, तो मैं उस समय ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप उसको रेक्टिफाई करा सकें और साथ ही साथ बाथरूम का जो एंट्रेंस डोर है उसका बैक टू फोर्थ एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर भी जरूर लगाए। इसी बाथरूम में सेंटर के ऊपर में मैं अभी एक डिस्कस एक केस स्टडी करना चाहती हूँ। वेल रेनॉन फैमिली ऑफ कैलिफोर्निया काफी क्लोज थे मेरे, और उन्हीं फैमिली के साथ में, मतलब वो संजीव जी आप मानिए कि इतना वास्तु को फॉलो करते थे कि उनके बच्ची को पूरी नॉलेज हो गया था कि जैसे समझती है वास्तु को। और उन्होंने दो घर लिए, वास्तु बेस्ड लिए, बहुत अच्छा चलता रहा। शी यूज्ड टू आस्क मी, थर्ड टाइम पे भी जब उन्होंने एक घर लेना चाहा, घर उन्होंने लिया, घर नॉर्थ फेसिंग था, साउथ ईस्ट में किचन थी, साउथ वेस्ट में था, सब कुछ था, स्टेयर्स भी एक साइड में थी, सेंटर में नहीं थी, और उन्होंने उस घर को लिया। अब घर लेने के बाद में क्या हुआ, स्टेयर्स के नीचे बाथरूम था। शी टोल्ड मी एंड शी सेड कि मैं रेवा जी मैं इस बाथरूम को मैं बंद करूंगी, मैं इस बाथरूम को नहीं खोलूंगी और मैं यहाँ स्टोरेज स्पेस बनाऊंगी। लेकिन जहां नीचे स्टेयर्स के नीचे बाथरूम था उसके साथ ही एक बेडरूम भी था, और उनके फादर इन लॉ इंडिया से आए हुए थे, ही वॉन्टेड टू यूज दैट बाथरूम, और उन्होंने वो बाथरूम नहीं बंद किया। आप यकीन मानिए मैं आपको ये 2019 की बात बता रही हूँ। 2019 अप्रैल 18th आई वाज हैविंग दुर्गा पूजा का मेरे घर में था, उनकी बच्ची थी मेरे पास में, हमने उनका कन्या पूजन किया, शी इज सो ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस हर, और हमने उनका कन्या पूजन किया, एवरीथिंग वाज राइट। और उसके बाद में देखिए आफ्टर वन वीक 28th 29th अप्रैल को आई गॉट मैसेज फ्रॉम हर ग्रैंडफादर कि बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। And you know what happened? She was diagnosed with blood cancer. Right. So I just want to tell you that wherever there is stairs under a bathroom or uske baad mein center ke sath, to wo serious health issues laati hai. Immediately he next day he maine us bathroom ko unka band karwaya. Sab kuch band karwane ke baad mein wahan storage space kar diya, light laga di, mirror laga diye. With the blessings of Almighty, aaj wo bachchi cancer free hai is samay. But it's very, it's, one year, she suffered lot. जी जी दीदी, मैं बस ये जो आपने रियल केस स्टडी के बारे में बताया, तो मैं सोच रहा हूँ कि यू नो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम होना हेल्थ को लेके कितना डैमेजिंग हो सकता है। एंड मैं हमारे लिसनर्स को यही बात बताना चाहता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट वास्तु इज, और वास्तु को समझना कितना जरूरी होता है। कई बार लोग खुशियों में आके यू नो घर खरीदते हैं और घर में जाते हैं तो फिर ये बात सोचते नहीं हैं। बट यू नो इफ एनीवन इज इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग ए हाउस एंड दिस इज यू नो व्हाट दे शुड कंसीडर के कहाँ पे क्या होना चाहिए। कहीं पे यू नो पूरी हेल्थी फैमिली हो, नए घर में जाने से अगर ऐसी कोई डिफेक्ट होती है एंड ऑल ऑफ अ सडन अ मेंबर ऑफ द फैमिली सडनली बिकम्स वेरी वेरी सिक एंड क्रिटिकली इल, ऑब्वियसली एंड आफ्टर सर्टेन रेमेडीज इट ऑल कैन बी क्योर्ड। बट मैं लिसनर्स को यही बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर रेवा कुमार हु इज अ वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट एंड डॉक्टरेट इन अ वास्तु, शी हैज ओवर 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन कम्स टू वास्तु, एंड हर नॉलेज एंड हर एक्सपर्टीज एंड हर एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली अनमैचेबल। तो प्लीज डू लिसन टू इट एंड डू फॉलो इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेवा जी कैन बी रीच ऑफ कोर्स आफ्टर द शो एट 510-868-3338, that's a 510-868-3338. Her website is worldofdivinevastu.com, which explains about Vastu very well. But do reach out to her, ask her a question, tell her that you heard it on Radio Zindagi every Thursday between 3:30 and 4. She comes on Radio Zindagi and she explains us all these things, and it's very, very meaningful, and it has a meaning to it, because that's what Vastu is all about. And through this case studies, Reva ji, aap ye prove kar rahe ho कि यू नो वास्तु घर में होना और उसको फॉलो करना कितना जरूरी होता है। अब इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली देर आर रेमेडीज, लोगों को ये भी बताने की जरूरत है कि देर आर रेमेडीज। अगर मान लो कि आपने सालों पहले घर खरीदा स्टेयर से बाथरूम है, बट देर आर रेमेडीज, और कहते हैं ना कि भाई यू नो
जब पता चला उसी दिन से मान लो कि आपकी जिंदगी शुरू हुई है, सो दिस इज द टाइम वेर यू शुड बी टेकिंग वास्तु सीरियसली। अब इसके बारे में दीदी और कुछ बताना चाहो तो प्लीज गो अहेड सेंटर को लेके। जी हाँ, अब सेंटर को लेने के लिए, सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए जैसे मैंने मेडिटेशन दिया बताया, और अगर आप सोचते हैं कि सेंटर में हमारे स्टेयर्स हैं, अब स्टेयर्स तो निकाली नहीं जा सकती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेंटर की जो स्टेयर्स अगर आ रही है तो जहां पे ही आपको नॉर्थ वॉल मिलती है, मतलब कि स्टेयर्स पे आप खड़े हो जाइए एंड सी अकॉर्डिंग टू योर कंपास वेयर इज नॉर्थ, वहीं पे ही आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर लगा दीजिए, या पर्टिकुलर नॉर्थ वॉल को आप पर्पल कलर या वायलेट कलर के साथ में पेंट कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो सेंटर की पर्टिकुलर, एक तो मिरर से हमारे को काफी हेल्प मिलती है किसी भी इफेक्ट डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, और जो कलर थेरेपी है वो नॉर्थ को इनहेंस करती है। तो आप ये जरूर देखिए कि सेंटर में हम जब स्टेयर्स हैं तो हमारे को नॉर्थ की वॉल कहाँ मिल रही है, राइट में मिल रही है कि लेफ्ट में मिल रही है। और अगर आप सोचते हैं कि हम स्टेयर सेंटर में और आप नॉर्थ से एंटर कर रहे हैं और सामने आपको साउथ है, तब आपको स्टेयर्स नहीं तब आपको मिरर नहीं लगाना। मैं फिर एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर सेंटर में स्टेयर्स हैं और वो सोचते हैं कि आपका मेन एंट्रेंस डोर नॉर्थ को फेस कर रही है वो स्टेयर्स, तब आप नॉर्थ की वॉल पे मिरर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर स्टेयर्स मेन एंट्रेंस डोर को पॉइंट आउट नहीं कर रही, तब आप कहीं भी जहां भी स्टेयर्स के नॉर्थ कॉर्नर मिले वहां मिरर जरूर लगाइए। वो नॉर्थ से आपके जो सेंटर और डेप्थ मिलेगी नॉर्थ को, तो हम सेंटर को डिवाइड कर देंगे। अलोंग विद दैट समटाइम्स कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि हमारी स्टेयर्स सेंटर में आ रही हैं क्योंकि हम कंस्ट्रक्टेड एरिया की हमने मेजरमेंट को लिया। लेकिन अगर हम स्टेयर्स नहीं ठीक कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बैक यार्ड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब कि बैक यार्ड में आप चाहे कुछ पैटियो बना लीजिए, चाहे कुछ थोड़ा कवर एरिया कर लेंगे, तो नेचुरली आपका सेंटर खत्म हो जाएगा। तो सेंटर अगर आपको 2 फीट भी अगर आपके उस सेंटर पॉइंट से अलग हो जाता है आगे या पीछे, तो वही आपको फायदा है। सो देन इट इज वेरी इजी टू रेक्टिफाई सेंटर प्लेस ऑफ योर हाउस। अच्छा दीदी, मुझे ये बताइए, जहां तक स्टेयर्स की बात होती है, अब तो पता चला कि घर के सेंटर में स्टेयर्स अगर है तो ठीक है, लेकिन स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है तो वो बहुत बुरी बात है, वो नहीं होना चाहिए। पर अगर सिर्फ सिंपल स्टेयर्स है तो इज दैट ओके? नहीं, दैट इज आल्सो नॉट ओके। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर जी, क्योंकि वो सेंटर को डिप्रेस कर रही हैं, तो उस सेंटर को स्टेयर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना है, जहां पर्टिकुलर नॉर्थ हमारे को मिलेगा वहां पे मिरर लगाएंगे, या अगर हमारे को लगता है कि हम अपना बैक यार्ड और थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो नेचुरली वो हमारा सेंटर पॉइंट से चेंज हो जाएगा। जी अच्छा, तो अब ये बताइए कि घर में स्टेयर्स राइट साइड पे हो तो अच्छा है या तो लेफ्ट साइड पे हो तो अच्छा है? बिकॉज यू नो यहाँ के जो घर बने हुए होते हैं, मोस्ट लाइकली द मोमेंट यू एंटर इन अ हाउस यू विल सी द स्टेयर्स, चाहे वो सेंटर में हो या चाहे वो अदर डायरेक्शंस में हो। तो एक सवाल ये है कि कौन से डायरेक्शन में स्टेयर्स होना ठीक होता है? देखिए, स्टेयर्स अगर आपके घर की चाहिए, हमेशा हमारे को हाइट्स के ऊपर में जाना है, इट कॉल्स नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कभी स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी स्टेयर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज रिलेटेड हेड ऑफ वास्तु पुरुषा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारी स्टेयर्स आएंगी, तो इसका मतलब कि आपने अपने सर के ऊपर में स्ट्रेस ले लिया है, टेंशन ले लिया है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स को आपने इनवाइट कर लिया है। हर समय आप कहीं ना किसी परेशानियों में, लिटिगेशन चक्कर में रहेंगे। लेकिन अगर आपको स्टेयर्स आपको साउथ वेस्ट में मिलती है, तो दैट्स वेरी गुड। हाँ, ये ठीक है कि स्टेयर्स अगर आपके घर के मेन एंट्रेंस डोर को पॉइंट करती हैं, फेस करती हैं, तो उसको एडवाइजेबल नहीं मानते एज वास्तु प्रिंसिपल, बट दैट कैन बी इजिली रेक्टिफाई बाय प्लेसिंग ग्रीन प्लांट्स राइट और लेफ्ट। अगर आपको स्टेयर्स के कहीं पे भी आप ग्रीन कलर के प्लांट्स लगाएंगे, तो उस नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। कर्व शेप में अगर आती हैं, आपको दिख रही है, विजिबल है अंदर एंटर करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पहला स्टेप होता है वो इमीडिएटली फेस नहीं करना चाहिए एंट्रेंस टू की तरफ,
क्योंकि वो आपके घर की सारी एनर्जी को, जैसे ही डोर खुलेगा बंद होगा तो सारी हमारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। जी बिल्कुल, चलिए अच्छी बात हुई दीदी, आज आपने ये बता दिया स्ट्रेस को लेके एंड देन इफेक्ट्स ऑफ सेंटर ऑफ हाउस, अगर स्ट्रेस वहीं पे है एंड हाउ टू रेक्टिफाई दैट इफेक्ट्स, वो उसकी भी रेमेडी आपने बता दी। अब जाते जाते आपसे एक टिप तो जाननी होनी होती है, एंड जब आपने ये बात करी हेल्थ को लेके, तो अभी हेल्थ को थोड़ा सा बाजू पे रखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ इज हाउ टू अर्न मनी। तो वास्तु से रिलेटेड कोई ऐसी, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, वास्तु से रिलेटेड ऐसी टिप, ऐसी कोई सजेशन दीजिए विच कैन बी हेल्पफुल इन अर्निंग मनी। और ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ घर में बैठे बैठे ये रेमेडी करनी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर पैसे जी कमाने हो तो ऐसी कौन सी सजेशन रेमेडी आप हमें बता सकते हो दीदी? बिल्कुल संजीव जी, मेहनत के साथ कमाने हो, या कई बार हो जाता है कि हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें सूझता नहीं है, हम सही तरीके से नहीं कमा सकते। और उसके साथ में वैसे भी सावन का मंथ है और इस मंथ की तो एक एनर्जी ही डिफरेंट होती है, और आज तीज जी भी है, तो आज के सावन के मंथ की और तीज की मैं अपने सभी व्यूअर्स सभी लिसनर्स को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। यही दुआ करती हूँ भोलेनाथ से और किसी से और कृष्णा से कि जल्दी से ये जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है इसको खत्म होके और आपके जीवन में हरियाली लेकर आए, और वो बहुत जल्दी आने वाली है। नथिंग टू वरी, बी पॉजिटिव। रहा पैसे की बात, हर किसी को जरूरत है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, पर उस पैसे को कैसे हम सही तरीके से अर्न कर सकते हैं, ये कैसे हम अपने रास्ते को खोल सकते हैं, तो उसके लिए मैं जरूर आज अपने सभी व्यूअर्स को टिप दूंगी। टू अर्न मनी कहते हैं कि लक्ष्मी, जिसको कहते हैं कि मनी गॉडेस, धान्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी आठों रूप में आपके घर पे होती है। धान्य लक्ष्मी आठ रूप में मतलब कि आपके बच्चों के साथ में, अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, अच्छा अर्न करते हैं, लक्ष्मी आपके घर में है। आपके घर में लग्जरी लाइफ है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो लक्ष्मी आपके घर में है। आपकी हेल्थ अच्छी है तो लक्ष्मी आपके घर में, मतलब आठों रूप में लक्ष्मी आपके घर होनी चाहिए। अब उस लक्ष्मी को कैसे लेकर आए, उसके लिए जरूर मैं बताना चाहूंगी। फॉर दैट यू हैव टू इनहेंस साउथ ईस्ट। अगर आपके घर की किचन साउथ ईस्ट में है, या लिसनर्स व्यूअर्स साउथ ईस्ट में नहीं भी है, तो भी साउथ ईस्ट में आपको कहीं ना कहीं तो आपको लिविंग रूम का भी एरिया मिल सकता है। आप साउथ ईस्ट को इनहेंस करिए। उसको इनहेंस करने के लिए ग्रीन कलर का कोई भी लाइट प्लांट लगाइए। इवन कि आप अपने बिजनेस, अपने स्टोर, अपनी कंपनी, अपने हॉस्पिटल, स्कूल, जहां पे भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पे भी साउथ ईस्ट ही एक ऐसी है जो आपको पैसा देती है। तो आपको साउथ ईस्ट को इनहेंस करना है बाय प्लेसिंग ग्रीन प्लांट। उसके साथ आपको क्या करना है, आठ कलर के धान आपको रखने हैं। धान मीन्स फूड ग्रेन्स, जी मीन्स कि आठों रूप में आपको लक्ष्मी चाहिए। आप एक कोई भी ग्लास का बॉटल इतना बड़ा ले लीजिए, उस बॉटल में आपको लेयर बनानी है, एट लेयर्स, मतलब कि मून को करने के लिए, ताकि लक्ष्मी आपको हर तरह की लग्जरी लाइफ दे। आप राइस ले सकते हैं, राइस की बेस बनाइए, फिर उसके ऊपर में ग्रीन कलर की दाल की बेस बना दीजिए, फिर ब्लैक कलर के चना की बेस बना दीजिए। होल हो, कटा हुआ या टूटा हुआ कुछ नहीं रखिए। आठ ग्रेन्स रखिए, मतलब कि आठों रूप में महालक्ष्मी आपके घर में होनी चाहिए, और आप ये उठाकर बॉटल को बंद करके साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। जहां आप अपना ग्रीन प्लांट रखेंगे वहां भी रख सकते हैं, अगर आपकी किचन है आप वहां भी रख सकते हैं। आपको करना क्या है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही जिस समय आप अपने रूम से बाहर निकलते हैं, उसके बाद में आप उस ग्रेन्स को देखने की कोशिश कीजिए, मतलब जस्ट हैव अ साइड, और ये प्रेयर कीजिए कि आठों रूप में लक्ष्मी आपके पास आपके घर में आ रही है। जस्ट प्रे, डोंट से कि मुझे दीजिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव दैट इट्स कमिंग टू यू। आप करके तो देखिए, आपको अपने रास्ते खुद खुले हुए मिलेंगे। जैसे जैसे वो ग्रीन प्लांट ग्रो करेगा, आपको जरूर से जरूर अच्छा काम, अच्छा पैसा मिलेगा। पैसा तो आएगा, जरूर आएगा, सिर्फ आप में हिम्मत होनी चाहिए। मैं नहीं मानती कि इंसान पैसा नहीं कमा सकता, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आपकी भी पावर होनी चाहिए। पैसा तो लक्ष्मी आप ही के पास में आएगी और जरूर आती है,
इफ यू नो हाउ टू वर्क हार्ड एंड बी कॉन्फिडेंट बी पॉजिटिव ऑलवेज रेडी ओपन योर आर्म्स ग्रैब इट एज मच एज यू कैन दिस इज व्हाट आई से. दीदी वंस अगेन आपने एक बार फिर से बहुत ही अच्छी रेमेडी बहुत ही अच्छी टिप दी है, मैं तो ये कहता हूँ बहुत ही अच्छी सजेशन दी है. और रेडियो सिंगी के जितने भी सुनने वाले हैं या तो हमें फेसबुक पेज पे जो देख रहे हैं, मैं उनसे सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर फॉलो कीजिएगा. रिवा जी की जो टिप्स होती है इट्स ऑलवेज वेरी इफेक्टिव एंड इट वर्क्स वेरी वेल, तो उसको सीरियसली लीजिएगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू वेरीफाई एनीथिंग अबाउट योर डायरेक्शंस इन द हाउस एंड द थिंग्स आर इन द हाउस यू कैन गिव हर अ कॉल एट 510-868-3338. दैट्स 510-868-3338. That's a Dr. Reva Kumar of worldofdivinevastu.com. Every Thursday, she joins on Radio Zengi at 3:30. And right now, it's 4 o'clock. Didi, aapka bahut bahut dhanyavad. And listeners will definitely contact you. And next week, when we meet again, when we talk to you again, you know, we'll talk about other direction and other important stuff related to Vastu. And if we have any question from our viewers or listeners, we will definitely talk about that as well. थैंक यू संजीव, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू लिसनर्स, जय माता दी. जी जय माता दी. दीदी थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर यू नो एजुकेटिंग अस, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस. वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. डू यू विश फॉर अ हैप्पियर फैमिली लाइफ? आर यू स्ट्रगलिंग विथ योर करियर और पर्सनल फाइनेंसेस? मेनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्वड बाय सिंपली रीडिफाइनिंग द स्पेसेस वेयर वी लिव एंड वर्क. द एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चरल साइंस ऑफ वास्तु शास्त्र हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू हेल्प पीपल कम इनटू हार्मनी विद देयर एनवायरनमेंट. वास्तु शास्त्र कैन ब्रिंग योर माइंड बॉडी एंड सोल इनटू अलाइनमेंट विद योर होम, गिविंग यू द पावर टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. Introducing Reva Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Reva Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.